न्यू डे न्यू ब्लॉग न्यू लोकेशन, मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी लेकर आ गया हूं आपको दिखलाने के लिए दिल्ली के दरियागंज में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसको जीनतुल मसाजिद बोला जाता है और यहां की आम भाषा में इसको घटा मस्जिद भी बोला जाता है। तो ये मस्जिद कब बनी थी और किसने बनवाई थी ये सब इस ब्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, साथ साथ इसका क्या इतिहास है ये भी सब इस ब्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, यहाँ से हम उतरेंगे और यहाँ से रिक्शे से या वॉक करते हुए आगे चले जाएंगे। ये दरियागंज वाला ये रोड, यहाँ से हम आते हैं तो ये है ये मस्जिद का ये मेन एंट्री गेट। यहाँ से हम जाते हैं, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे नमाज की टाइमिंग वगैरह सब यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ से है ये इसका मेन सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो गाइस ये है जीनतुल मसाजिद, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। गाइस एक रास्ता ये है जहाँ से मैं अभी होते हुए आया हूँ, दूसरा रास्ता एक और है वो दूसरी तरफ से है तो वो भी मैं आपको दिखला दूँगा। फिलहाल मैं दिखलाता हूँ आपको ये मस्जिद। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये है ये जीनतुल मसाजिद जिसको घटा मस्जिद भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और शानदार ये मस्जिद है, एक तरह से जो है जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, जामा मस्जिद का ही छोटा रूप हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि जामा मस्जिद को बिल्कुल एकदम सेम तरह से इसको जो है बनाया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लाल पत्थर का इस्तेमाल करके और वाइट पत्थर का इस्तेमाल करके इसको जो है बनाया गया है। तीन इसमें ये गुंबद हैं ये आप देखेंगे जिसको जो है वाइट संगमरमर और जो है ब्लैक संगमरमर का यूज़ करके इसको जो है डिज़ाइनिंग दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसको दी गई है। यहाँ से हम ये देखेंगे यहाँ पर ये उस टाइम पर जो है यहाँ ये वजू खाना हुआ करता था। ये आप देखेंगे इसमें कुछ नया करने की, शायद इसको फाउंटेन वगैरह लगाने की इसमें शायद कोशिश की गई होगी जैसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल अभी वो कंप्लीट नहीं है। एक रास्ता इस तरफ से आता है जो कि अंदर बस्ती से होते हुए आता है, जबकि मेन रास्ता यहाँ आने का ये वही है जो मेन रोड से होते हुए आता है। ये साथ में ये स्कूल है क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है तो अभी स्कूल बंद है। फिलहाल हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और ये मस्जिद मैं आपको अंदर से दिखलाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें दो मीनारें दी हुई हैं, एक ये भी है और एक ये दी हुई है जो कि लाल पत्थर से ही बनी हुई हैं। इस मस्जिद के अगर इतिहास की बात की जाए तो इस मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब के दूसरे नंबर की बेटी जीनतुल निशा ने, जिनके नाम पर ही इस मस्जिद का नाम जीनतुल मसाजिद रखा गया था। जीनतुल निशा का बर्थ 1643 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1721 में हुई थी। तो उससे पहले यानी कि 1707 में उन्होंने ये मस्जिद जो है बनवाई थी। तो अभी हम चलने वाले हैं इस मस्जिद के अंदर और अंदर से ये मस्जिद मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जीनतुल मसाजिद, ये आप देखेंगे जो है तीन मेहराबदार गेट इधर हैं और ये तीन मेहराबदार गेट ये इधर दिए हुए हैं। सामने की तरफ एक ये बड़ा मेहराबदार गेट ये दिया हुआ है, ये आप देखेंगे इस पे जो है लाल बलवा पत्थर से ये मस्जिद पूरी बनी हुई है लेकिन अभी जो है इसको पेंट किया गया है। ऊपर की तरफ जो आप ये वाइट पत्थर देख रहे हैं, वाइट संगमरमर का इसमें यूज़ किया गया है।
आप इसकी ये डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखलाऊं, ये आप देखेंगे कितनी बेहतरीन तरह से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कमल के फूल की पत्ती की तरह ये पत्तियाँ जो हैं बनाई गई हैं, और ऊपर देखिए ये मटके की तरह ये बनाया गया ऊपर की तरफ जो ये मीनार जाती है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं सेम जो है ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाया गया है। अभी हम चलेंगे मस्जिद के अंदर। तो भाई ये आप देखेंगे यहाँ से ये मेहराबदार ये गेट और ये मेहराब के अंदर मेहराब। फिलहाल क्योंकि सर्दी का टाइम है तो यहाँ पर इसको यहाँ बंद कर रखा है। ये आप देखिए ये इसका जो है बरामदा है मस्जिद का, मस्जिद के अंदर ही हूँ मैं तो। ये आप देखेंगे मेहराब का गेट, एक मेहराब के अंदर दूसरी मेहराब, तीसरी मेहराब, इस तरह से जो है गेट्स को जो है डिज़ाइन किया गया है अंदर से। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखेंगे काफ़ी सारे गेट्स और चल रहे हैं अंदर, और अंदर से दिखलाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये आप देखिए, और ये है इसका ये मेन गुंबद। ये आप देखेंगे काफ़ी डिज़ाइन फूल पत्ती की जो है डिज़ाइनिंग से इसको जो है बनाया गया है। और ये है इसका ये पूरी मस्जिद, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है मेंबर, यहाँ से जो है खुतबा होता है जुमे के दिन। पांचों टाइम की नमाज़ होती है, लेकिन क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं है तो पूरी मस्जिद फ़िलहाल अभी जो है खाली है। तो बाहर चलते हैं और आगे इसका जो इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है ये मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो मस्जिद है ज़ीनतुल मसाजिद, इस मस्जिद के इतिहास को अगर हम और खंगालते हैं तो ऐसा पता चलता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर का राज था तो ब्रिटिशर ने जो है काफ़ी सारी मस्जिदों में नमाजें बंद करा दी थी और इस मस्जिद को जो है बेकरी बना दिया था। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो यहीं के जो लोकल्स थे उन्होंने इस मस्जिद को फिर से शुरू कराया, और आज ये मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पांचों टाइम की नमाज़ यहाँ पर कायम है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये बेहद ही ऐतिहासिक मस्जिद दिखलाने की। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।